हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पंकज। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ट्यूरिंग मशीन का, वो होगा ऑपरेशंस ऑन द टेप, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरा इसमें आपको पता चलेगा कि जो ट्यूरिंग मशीन के अंदर ऑपरेशन होता है वो किस तरीके से होता है। टेल हेड है जो इनफाइनाइट टेप में कैसे मूव होती है, सिंबल्स को कैसे क्या कहते हैं, रिप्लेस किया जाता है एक्सटर्नल सिंबल में, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन स्टेट्स जो चेंज होती हैं वो कैसे लिखनी है, और ट्रांजिशन में उसमें फंक्शन कैसे लिखना होता है, कि स्टेट्स चेंज करते हैं जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो ट्रांजिशन फंक्शन जो आपको लिखना है क्या कैसे लिखना है, ठीक है। तो लास्ट टू वीडियो में हम ये नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, टपर्स देख चुके हैं, और जो बेसिक मॉडल था ट्यूरिंग मशीन का वो देख चुके हैं। आज हम करते हैं ये ऑपरेशन ऑन टेप, तो आप इसको अच्छे से समझना, देखना, क्योंकि ये एक एक टॉपिक जो है ट्यूरिंग मशीन का वो एकदम अच्छे से क्लियर होगा, तब जाके आने वाले वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन द टेप। सो ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट टेप लेंथ, इनफाइनाइट टेप साइज, टेप साइज, ओके। यहाँ पर हमारे क्या कहते हैं, इनपुट सिंबल्स हमने लिए हैं ए बी कॉमा सी, ठीक है, और एक्सटर्नल सिंबल भी इसी में है, कैपिटल ए बी, ठीक है, सी बी है, ठीक है। अब पॉइंट वाइज कहते हैं, देखो कैसे इसमें सिस्टम काम करता है। रीड स्कैन द सिंबल बिलो द टेप हेड, यानी रीड करना है या स्कैन करना है सिंबल को जो टेप हेड के बिलो है, जो टेप हेड के बिलो है। ये टेप हेड हमने लगा दिया, ठीक है, और इसमें जो रीड किसने किया, ये रीड हुआ ए। अब जैसे ये रीड होगा तो ये क्या एक्सटर्नल सिंबल एक प्रोड्यूस होता है, कितना जो लिखते हैं हम ए के नीचे स्मॉल है तो कैपिटल ए, ओके। अब क्या, सॉरी अभी तो हमने रीड ही करा, अभी हमने कुछ भी लिखा नहीं है। सेकंड पॉइंट हम क्या स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको इजीली होगा। जब अपडेट या राइट अ सिंबल बिलो द टेप हेड, अब करना है अपडेट। अब जैसे रीड करा और उसको अपडेट करके हमें क्या एक एक्सटर्नल सिंबल में लिखना है जो हमने लिख दिया है। थर्ड या मूव द टेप हेड वन स्टेप राइट, राइट या लेफ्ट, हमने यहाँ जैसे इधर है नहीं तो हमने कहा राइट में मूव करा, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो गया, राइट में मूव करूंगा। सेम करेगा मूव द टेप हेड वन स्टेप राइट। अब जो इसमें भी एक पॉइंट आएगा अपडेट वाला, यहाँ पर अपडेट आएगा, अपडेट अपडेट राइट सिंबल बिलो द टेप हेड, यहाँ पर भी हमको एक पॉइंट मिस हो गया है जिसमें हमें क्या अपडेट करना पड़ेगा और इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा, बी, ठीक है। जैसे यहाँ पर बी आ जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, बी लिखकर और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मूव द टेप हेड वन स्टेप राइट, यानी ये जो टेप हेड है इसको हम क्या करेंगे एक स्टेप आगे कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि पहले तो इसमें क्या होगा, एक रीड होगा जो भी सिंबल होगा किसके नीचे, टेप हेड के नीचे, फिर उसको अपडेट करना है और अपडेट करने के उसके अब लिखना है, ठीक है। अब देखो स्टेट चेंज कब होती है, सबसे पहले व्हेन वी हैव टू चेंज द स्टेट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारा सिंबल क्या था, ए था, ठीक है, और ए के बाद जब हमने मूव किया तो किस में गए, बी में, तो ए से हम किस में गया जा रहे हैं, बी में, ठीक है, यानी हमारा इनपुट अल्फाबेट जो है वो चेंज है, चेंज है। तो जब भी ये चेंज होगा तो इंटरनल स्टेट चेंज होती है, इंटरनल स्टेट चेंज होती है, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, इंटरनल स्टेट चेंज होती है, आपने जब देखा होगा, नहीं देखा है तो आप उसको वापस एक बार देखिए, तब मैंने उसके अंदर पर्टिकुलर पॉइंट में लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर क्यू नॉट था, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेट पर क्यू नॉट था, तो क्यू नॉट से हमने जैसे बी पर गए तो क्यू वन, न्यू स्टेट हमने दे दी क्यू वन, ठीक है, क्यू वन। तो इस तरीके से स्टेट चेंज करना है। अब आपके ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ तो इनपुट सिंबल चेंज था ए टू दी ए के बाद बी, अगर यही इनपुट सिंबल आपके पास ए ए बी बी इस तरीके से होगा तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है जैसे क्यू नॉट, ठीक है, या आपकी एक स्टेट है, अब हेड कहां पर गया, ए पर, तो यहां पर क्या करना था, आपको यहीं पर ही सेल्फ लूप लगाना है, आपको सेल्फ लूप लगाना है कि यहां पर स्टेट चेंज नहीं, ए का ए है,
आगे जब फिर बी पर जाता है तब क्यू वन, तब स्टेट चेंज होती है, और फिर अगर बी आता है तो फिर आपको सेल्फ लूप लगाना है बी का। तो यानी आप जब इनपुट सिंबल सेम है तब तो आपको स्टेट चेंज ना करके क्या करना है, उसमें सेल्फ लूप लगाना है, और अगर सिंबल क्या कहते हैं चेंज है तब आपको क्या करना है स्टेट चेंज करनी है। ठीक, ये तो आपको पता चल गया स्टेट कैसे करना है। अब बात आती है कि इसके ऊपर ट्रांजिशन लिखना कैसे है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो ए वाला है सिंबल ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए जिस पहले तो एक इनपुट सिंबल लिखना है, यानी आपका जिस पे टेल हेड है, ठीक है, टेल हेड आपका किस पे था, ए पर, तो ए क्रॉस यानी सॉरी ए टेंड्स टू जो सिंबल प्रोड्यूस हुआ, ए से हमने क्या क्या सिंबल प्रोड्यूस किया था, ए से हमने क्या सिंबल प्रोड्यूस किया, ए किया था। तो यहां पर क्या करना है, इसे मैं इसको यहां लिख देता हूं, ए टेंड्स टू ए। ठीक है, ओके। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि इसमें आपको साइड भी मेंशन करनी है कि लेफ्ट है या राइट है। तो यहां पर क्या मूव किया था आपने, ए तो राइट मूव किया था, उसके बाद तो उसका ए टेंड्स टू ए और वहां कॉमा आर, इस तरीके से, यानी क्यू नॉट टू ए कैसे गए आप, क्यू नॉट से जो स्टेट चेंज हुई है, यानी क्यू नॉट था पहले स्टेट और फिर क्यू वन पर, यानी इनपुट अल्फाबेट चेंज हुए, और कैसे ए टू ए है, और कौन से चेंज मूव करा आपने, राइट की तरफ मूव किया है। अगर वही चीज अगर आप बी के लिए करेंगे तो बाद में बी के लिए कैसे, बी टू बी अगर राइट है तो राइट, अदरवाइज लेफ्ट है तो लेफ्ट। तो इस तरीके से आपको इसमें स्टेट्स बदलनी है, आपको इनपुट सिंबल्स का ध्यान रखना है कि इनपुट सिंबल्स सेम है या अलग है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, और अभी आप इनके ऊपर थोड़ा बेसिक्स, इनकी जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, इसको एक एक थ्योरी को पढ़िए, क्योंकि इन थ्योरी में कहीं कंसेप्ट है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, ये पर्टिकुलर थ्योरी डेफिनेशन उस टाइप की डेफिनेशन नहीं है जो नॉर्मल थ्योरी होती है, इसमें है जो हम यूज करते हैं ट्यूरिंग मशीन के अंदर, कॉन्सेप्ट्स जो यूज करते हैं। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो और पसंद ज्यादा समझ आने ज्यादा जरूरी है, तो इसको पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगा जिसमें ट्यूरिंग मशीन के आगे के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।